जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल का निर्माण किस तरह से हुआ है, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, और हम देखेंगे कि वायुमंडल किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव संपूर्ण जीवों पे है, पूरे पृथ्वी पे है। वायुमंडल नहीं होता तो हमारा अस्तित्व नहीं होता, आपका अस्तित्व नहीं होता, कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु का अस्तित्व ही नहीं होता। हम ये देखेंगे कि वायुमंडल के जो लेयर्स होते हैं, जो बराबर एग्जाम्स में पूछ दिए जाते हैं, वह कहाँ कहाँ पे है और कितनी मोटाई है उसकी, उसकी विशेषताएं क्या है, उसको आज हम लोग पूरी तरह से डिकोड कर लेंगे, एकदम सिंपल भाषा में आसानी से उसको आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले ये जानते हैं कि वायुमंडल होता क्या है। देखिए, वायुमंडल, इसमें एक शब्द लगा हुआ है वायु और एक है मंडल। वायु मतलब एयर, या उसको आप गैस कहिए, और मंडल का मतलब होता है आवरण, यानी ढकने वाला, एक प्रकार का खोल, स्फीयर। तो वायुमंडल का सीधा सीधा अर्थ होता है कि पृथ्वी के चारों तरफ से जो गैस का आवरण है वह वायुमंडल कहलाता है, जो पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुआ है और घेर करके उस पर प्रभाव डालता है, इसको बोलते हैं वायुमंडल। अब देखिए, वायुमंडल जो है ना, वह उसकी मोटाई सैकड़ों किलोमीटर तक है। कितनी मोटाई है उसको हम लोग अभी देखेंगे, फिलहाल हम लोग ये देखते हैं कि वायुमंडल बना कैसे है। देखिए, पृथ्वी का निर्माण आज से 4.6 अरब साल पहले हुआ, ये तो सभी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। जब बनी थी तो आग की गोला थी, ये तो कॉमन सेंस की बात है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती गई है और उसके बाद इस पे जीवन की शुरुआत हुई है, लेकिन जब बनी थी उस समय आग की गोला थी और बहुत गर्म थी, धधक रही थी, तो इसका रोटेशन भी बहुत तीव्र था। आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटा में अभी रोटेट कर लेती है, लेकिन उस समय 18 घंटा में रोटेट कर जाती थी। ये बहुत तेज गति से घूमता था, और इसके तेज गति से घूमने के कारण एक बल भी लगता है, उसको बोलते हैं केंद्रापसारी बल, जो सब कुछ अपने केंद्र से बाहर की ओर फेंक देती है। तो केंद्र के बाहर की ओर फेंक देती है, तो जब गर्म होकर ठंडा हो रही थी तो इससे जितने भी गैस निकल रहे थे, जितने भी एनर्जी निकल रही थी, वो अंतरिक्ष में जाकर के विलीन हो जा रहा था। उसको पृथ्वी थाम के नहीं रख सकती थी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसका कम था और केंद्रापसारी बल बहुत ज़्यादा था। जब इसका रोटेशन धीरे धीरे कमता है, तब इसके अंदर गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाता है, और इस गुरुत्वाकर्षण के कारण जो वायुमंडल है उसका निर्माण हो जाता है। और वायुमंडल में गैस है, धूलकण है, जलवाष्प है, उस सब का इसमें जो है कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल करके जलवाष्प का भी निर्माण कर देते हैं, और उससे जलवाष्प जब संघनन होता है तो ऊपर से वो नीचे गिरती है पृथ्वी पे, तो उससे कारण, उस जल के कारण इस पृथ्वी पे महासागरों का निर्माण हो जाता है, तो इससे महासागर भी बन गए। तो देखा आपने कैसे कैसे क्या बना, सबसे पहले पृथ्वी बना, ठंडा हुआ, उसके बाद इस पे स्थल मंडल का निर्माण होता है, उसके बाद वायुमंडल बनता है, और उसके बाद जलमंडल का निर्माण होता है, और तीनों जहाँ पे मिलते हैं वहाँ जीवन की शुरुआत हो जाती है, तो उसको बोलते हैं जैवमंडल। तो जैवमंडल का भी निर्माण हो गया। इस तरह से आपने देखा कि कैसे कैसे जैवमंडल बन गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर में क्या क्या चीज़ है वायुमंडल में। तो उसमें आप देखेंगे कि एक गैस है, एक डस्ट है, एक वेपर है। गैस, इसमें नाइट्रोजन की अधिकता है, आपको पता ही है, 78% है। ऑक्सीजन 20.9%, लगभग 21% के आसपास है। दोनों को मिला दीजिएगा तो काफ़ी बड़ी संख्या हो जाती है। और उसके बाद आर्गन है 0.93%, साथ ही साथ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत महत्वपूर्ण गैस है, ये 0.3% मिलता है, और 0.03%। उसके साथ ही नियोन, हीलियम, ओजोन और हाइड्रोजन भी थोड़ी मात्रा में मिलती है। अब होता क्या है, देखिए, नाइट्रोजन बहुत महत्वपूर्ण गैस है। नाइट्रोजन अगर नहीं होगा तो पेड़ पौधे अपने शरीर में वो प्रोटीन का निर्माण नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन तो देखते हैं सभी जीव जंतु को जीवन के लिए एकदम जरूरी है, अगर ये नहीं हो तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जीवन जीना ही संभव नहीं रहेगा। फिर आर्गन आप देख रहे हैं, इसका भी अपना एक महत्व है। CO2 को देखते हैं, CO2 एक तरह से ग्रीन हाउस का काम करती है, मतलब सूरज की किरणों को ऑब्जॉर्ब करके पृथ्वी के तापमान को बनाए रखती है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण गैस है, लेकिन इसका संतुलन बना रहना चाहिए। कम है तो भी खतरनाक है, तो उससे क्या होगा कि ग्लेशिएशन हो जाएगा पूरे पृथ्वी पे, तापमान बहुत घट जाएगा, और ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो फिर तापमान को बढ़ा देगा, ग्लोबल वार्मिंग पैदा कर देगा, और इससे है कि जीव जंतु का रहना मुश्किल कर देगा। तो ये है, उसके साथ ही साथ बाकी का भी अपना एक महत्व है। साथ ही साथ डस्ट है, डस्ट देखिए, डस्ट का क्या काम है,
डस्ट के कारण ही आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उस पर जब सनलाइट पड़ती है ना डस्ट पे, तो डस्ट क्या करता है, उसका स्कैटरिंग कर देता है, उसका प्रकीर्णन कर देता है, उसका रिफ्लेक्शन कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो डस्ट के कारण है। साथ ही डस्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है कि वो आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करता है। अब आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली, वह क्या होता है, जब जल की बूंदे बनती है ना, तो जल की बूंदे को बनने के लिए कोई ना कोई एक आधार चाहिए, कहीं ना कहीं पे वह बैठती है, जिसके चारों तरफ जल का संघनन होता है, यानी कि एक आर्द्रता ग्राही होना चाहिए जिसके चारों तरफ से जल की बूंदे इकट्ठा होगी। कहा जाता है कि 20 लाख जल की बूंदे इकट्ठा जब होती है, छोटी 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 छोटी, तब जाकर के एक बूंद बनता है पूरा का पूरा। तो आर्द्रता ग्राही नाभिक वर्षण के लिए अत्यंत जरूरी है, इसके बिना वर्षा ही नहीं होगा। उसके साथ ही साथ वेपर मिलता है, यानी कि जलवाष्प, ये जलवाष्प का काम बहुत महत्वपूर्ण है। जलवाष्प अगर नहीं होता तो इस पृथ्वी पे एक जो औसत तापमान है पृथ्वी का 15 डिग्री सेल्सियस, ये नहीं हो पाता। यानी कि क्या करता है, यह सूरज की किरणों को आने देता है, कुछ मात्रा में उसको ऑब्जर्व करके रखता है, ताकि पृथ्वी के तापमान का संतुलन बना रहे। अगर यह नहीं हो तो संतुलन बिगड़ जाएगा और अधिक मात्रा में सर्दी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो गर्मी को भी बढ़ा सकती है। तो ये संतुलन के लिए ज़रूरी है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब है कि पृथ्वी को गर्माने में यह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि 0 से लेकर 4% तक इस पूरे वायुमंडल में जलवाष्प पाई जाती है, और इसी जलवाष्प के कारण सारा क्रियाकलाप होता है, जैसे बादल का बनना, मेघ का बरसना, कुहरा लगना, कुहासा लगना, ओस गिरना, और आपको देखते हैं कभी कभी जो है हेल स्टोर्म होने लगता है ना, वो उस तरह से चीज़ें होती है, वो सारी की सारी जलवाष्प के कारण ही होती है। जलवाष्प नहीं होगा तो वो क्रिया ही नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आप क्षोभ मंडल जो है वह पृथ्वी के सबसे निचली परत को कहते हैं, 5 परत है, उसमें सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। इसका नाम क्षोभ मंडल क्यों है, देखिए क्षोभ, क्षोभ का मतलब होता है टर्बुलेंस, यानी कि बराबर इसमें कोई ना कोई घटनाएं घटित होगी, यानी मौसम की अधिकांश क्रिया इसी में घटित होती है, मौसम की लगभग संपूर्ण क्रिया इसी में घटित होती है, जैसे बादल का बनना, जैसे बिजली का कड़कना, जैसे वर्षा का होना, जैसे कुहासा लगना, जैसे कोहरा होना, जैसे हेल स्टॉर्म होना, जैसे ग्लेशिएशन होना, है ना, ये सारी की चक्रवात पैदा होना, ये सारी की सारी जो क्रियाएं होती है वो क्षोभ मंडल में ही है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया क्षोभ मंडल। बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होता है उसमें, एकदम किसी किसी आदमी को देखते हैं जब एकदम वो क्षोभ हो जाता है किसी के प्रति, वो एकदम परेशान रहेगा कि क्या करें नहीं करें, गुस्सा में है, तो इस तरह से चीज़ें कभी शांत हो रहा है, कभी गुस्सा में आ रहा है, तो इस तरह की सारी क्रियाएं जो है ना क्षोभ मंडल में होती है, व्यक्तिगत रूप से भी आपने देखा होगा कभी। साथ ही साथ इसकी ऊंचाई को देख लीजिए, ध्रुव पर इसकी ऊंचाई कम है, लगभग 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई है वो बढ़ती चली जाती है 16 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक। वह 16 से 18 किलोमीटर मतलब मौसम के अनुसार इसकी ऊंचाई थोड़ी सी कम या ज़्यादा होती है। तो आपने देखा कि ध्रुव पे कम है और भूमध्य रेखा पे ज़्यादा है, क्यों है ऐसा, तो पृथ्वी का जो अपना एक कर्वेचर है, पृथ्वी की जो बनावट है, इसके कारण भूमध्य रेखा पे इसकी ऊंचाई ज़्यादा है और ध्रुव पे इसकी ऊंचाई कम है। अब देखिए इसका औसत ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो औसत ऊंचाई के लिए आप क्या करेंगे कि ध्रुव पे 8 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा पे 18 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो जो रिजल्ट निकलेगा वह औसत ऊंचाई कहलाएगा। आप तो ये सोचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जब आप ऐसा करेंगे तो गलत कैलकुलेशन होगा और ये औसत ऊंचाई का अनुमान जो है वह गलत होगा। इसकी औसत ऊंचाई जो है वह तय है, वह है 15 किलोमीटर तक। तो आप स्पष्ट रूप से याद किए रहिएगा, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई जो है वो 15 किलोमीटर है। और अब देखिए इसमें सारी मौसमी क्रियाएं होती है। एक गाना सुने हैं ना कि एक खुदा तू बोल दे बादलों से, मेरा यार हंस रहा है बारिश किए जाए। तो देखिए किसी के कहने से भगवान तुम्हारा गुलाम थोड़ी है कि तुम जो कहोगे तुम्हारा यार नाच किया रहा है तो वर्षा होने लगेगा। अरे वर्षा होने का एक अलग ही मैकेनिज्म है, वो कैसे होता है वो हम आपको अगले चैप्टर में बताएंगे। अभी हम समझते हैं क्षोभ मंडल को। इसमें जो है ना संवहनीय क्रियाएं बहुत ज़्यादा होती है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे संवहन का मतलब यह है कि हवा यहाँ गर्म होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर जाकर के बादल बनेगा, वर्षा होगा, फिर वह नीचे आ जाएगा। तो इस तरह की क्रिया यहाँ होती रहती है, यहाँ पे कंडक्शन, यहाँ पे संवहन, ऐसी क्रियाएं खूब चलती रहती है, इसीलिए इसको संवहन मंडल भी बोल देते हैं। साथ ही साथ इसमें सामान्य ताप पतन होते रहता है, जिसको कहते हैं कि जैसे जैसे नीचे से हवा गर्म होकर के ऊपर उठेगी तो 165 मीटर पर जा करके 1 डिग्री टेम्परेचर उसका घट जाएगा। क्या होगा, 165 मीटर पर 1 डिग्री घट जाएगा, यानी कि अगर वह 1 किलोमीटर तक चला जाए वह
वायु, तो उसकी जो जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस नीचे हो जाएगा। और आपको तो पता ही है, जब हमने आपको पढ़ाया था इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो उसमें आपने देखा था कि पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ जाता है, यानी कि 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है जब पृथ्वी के नीचे जाएंगे इस स्थल इस सतह के नीचे, और इस सतह के ऊपर आएंगे तो तापमान घटने लगेगा 165 मीटर पर 1 डिग्री। इसी को कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट ऑफ टेम्परेचर। इसका बड़ा महत्व है, आगे हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ इसमें ये देखिए कि इसमें तापमान की व्युत्क्रमणता भी पाया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि नीचे से जो हवाएं ऊपर जा रही है उसको धीरे धीरे ठंडा होते जाना चाहिए, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर घटना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर घटता नहीं है, बढ़ जाता है। नीचे का टेम्परेचर कम रहता है और ऊपर का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं तापमान व्युत्क्रमणता, यानी कि उल्टा हो गया, बढ़ने की जगह पे सॉरी घटने की जगह पे बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमणता, यानी कि उल्टा काम हो गया। अब जो है ये सर के बल खड़ा हो गया, तो इसलिए इसको बोलते हैं व्युत्क्रमणता। और इसमें देखेंगे कि जेट पवने इसमें चलती है इसके ठीक ऊपरी, यानी क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर, क्षोभ सीमा के ठीक नीचे एक पवन चलती है जो बहुत स्पीड होती है, उसको बोलते हैं जेट पवन। जेट पवन की जो खोज हुई थी वह द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, जब ये जो अमेरिका है जब बम गिराने जा रहा था जापान पे, तो जब वह जहाज यहाँ से उड़ता था तो उसका स्पीड अचानक बढ़ जाता था। अब उसके अंदर में जो बैठे हुए हैं ड्राइवर को देखते हैं अचानक कैसे बढ़ गया, और जब वह लौटने लगता था तो उसका जो है जहाज जो है अचानक तेज हो जाता था। तो एक ससुरा है क्या ये, उसको समझ में नहीं आ रहा था। बाद में जब इस पर रिसर्च हुआ तो पता लगा कि बहुत तेज गति से यहाँ हवा चलती है, और इतना तेज गति से वो हवा चलती है कि वह पूरे पृथ्वी पर चल पड़ती है। तो उसी समय यह खोज हुआ था। तो इसको याद रखना है कि क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर और क्षोभ सीमा के ठीक नीचे एक पवने चलती है जो बहुत तीव्र गति से चलती है पश्चिम से पूरब, उसको बोलते हैं जेट पवन। ठीक है, अब आप इसको समझ गए। अब आप ये देखिए कि इसमें हमने लिखा है कि भूमध्य रेखा पर ताप -85 डिग्री सेल्सियस, यानी कि क्षोभ मंडल में भूमध्य रेखा के ऊपर, ये देख रहे हैं पृथ्वी है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर जो क्षोभ मंडल है वहाँ पे 16 से 18 किलोमीटर के ऊपर -85 डिग्री टेम्परेचर भी रिकॉर्ड किया गया है। बहुत ही लोएस्ट टेम्परेचर हो जाता है, लेकिन उतना ही कम टेम्परेचर इस ध्रुव के ठीक ऊपर नहीं होता है। यहाँ पे चूंकि ऊंचाई कम है इसलिए टेम्परेचर उतना नहीं कमता है जितना भूमध्य रेखा पे कम जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर -85 नहीं होगा, उससे थोड़ा सा माने 50 डिग्री -50 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह से क्रियाएं इसमें होती है। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। ताप मंडल को समझिए, देखिए समताप मंडल जो है उसको अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्यों कहते हैं इसको समताप मंडल, क्योंकि इस पूरे मंडल में कहा जाता है कि तापमान जो है ना वह लगभग समान रहता है, समताप मंडल इसीलिए उसको कहते हैं। लेकिन इस पे 20 किलोमीटर के बाद अचानक से तापमान बढ़ना भी शुरू हो जाता है, तो कहा जाता है वहाँ पर कुछ स्पेशल घटनाएँ घटित होती है। तो बिल्कुल सही है, वहाँ पर एक ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ एक गैस पाया जाता है, उसको बोलते हैं ओजोन। और ओजोन का काम क्या है, वह अल्ट्रावायलेट रेज को रोकता है जो कि सूरज के तरफ से होकर के आते रहता है, और वह अगर पृथ्वी पे आ जाए तो कैंसर पैदा कर देता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसके लिए ओजोन जो है ना एक प्रकृति ने हमें सुरक्षा कवच पहले ही बना के दे दिया है कि अल्ट्रावायलेट रेज को वह वहीं पर रोकती है, वहीं पर उसको छान देती है, और इससे पृथ्वी पर जीवन चलते रहता है। तो 20 किलोमीटर के बाद अचानक तापमान बढ़ने का वही कारण है। और वैसे समताप मंडल की जो औसत ऊंचाई है ना वह उसको माना जाता है 18 से 50 किलोमीटर, 18 से 50 किलोमीटर। और इसमें ओजोन परत पाई जाती है। देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आप मान के चलिए कि ओजोन एक अलग से स्फीयर नहीं है, ओजोन एक अलग से मंडल नहीं है। बहुत सारे किताब में ओजोन मंडल लिख दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ओजोन सिर्फ एक परत है जो कि समताप मंडल का ही एक पार्ट है और उसी के अंदर में ये आता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो मोटाई है इस समताप मंडल की वह विषुवत रेखा पे कम है और ध्रुव पे ज़्यादा है, विषुवत रेखा पे कम है और ध्रुव पे ज़्यादा है। अभी आपने क्षोभ मंडल को देखा था, विषुवत रेखा पे उसकी मोटाई ज़्यादा थी और ध्रुव पे कम थी, लेकिन समताप मंडल में उल्टा है, वह विषुवत रेखा पे कम है और ध्रुव पे उसकी मोटाई ज़्यादा है, कभी कभी तो विषुवत रेखा पे गायब ही हो जाता है। तो ऐसे है इसका मोटाई। साथ ही साथ इसमें देखिए विमान को उड़ाया जाता है, इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें विमानों को उड़ाया जाता है। क्यों उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें टर्बुलेंस नहीं होता है, मौसमी घटनाएं नहीं होती है, आंधी तूफान बिजली का चमकना जैसे क्रियाएं नहीं होती है, इसलिए विमान को उड़ाना आसान है। साथ ही साथ यहाँ पे जो वायुमंडल है ना वह बहुत ज़्यादा घना नहीं रहता है, विरल विरल हो जाता है, दबाव एयर का कम हो जाता है, जिसके कारण आसानी से वायु को वायुयान को उड़ाया जा सकता है।
साथ ही साथ आप देखे होंगे कि समताप मंडल के ठीक नीचे एक जेट पवने चलती है, उसको बोलते हैं जेट धाराएं। तो जेट धारा के कारण तो वायुमंडल में टर्बुलेंस पैदा हो जाएगा, वायुमान में दिक्कत पैदा हो जाएगा, इसलिए ठीक उसके ऊपर उड़ाते हैं। आप कभी कभी ये भी देखते होंगे कि चंद्रमा को देखते हैं कि बादल को पार करते हुए आपको दिखाई देता होगा, लगता होगा कि चंद्रमा नीचे आ गया, बादल जो है ना बादल के नज़दीक तक पहुंच गया, लगभग 10-12 किलोमीटर नीचे तक आ गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बादल जो आप देखते हैं ना वो नज़दीक होता है, लेकिन चंद्रमा तो बहुत दूर होती है। वह सिर्फ देखने का जो है ना एक आपको एक भ्रम पैदा करता है, लेकिन आप स्पष्ट रूप से किए रहिए कि चंद्रमा नज़दीक में नहीं आता है। चंद्रमा अगर नज़दीक में आता है तो लोग उसको ऐसे खींच लेते हैं, है ना। तो वो चंद्रमा तो अपने ही जगह पे है, वो बहुत दूर है, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है, लेकिन बादल जो होते हैं ना वो क्षोभ मंडल में बनते हैं। इस समताप मंडल में भी एक बादल बनता है, उसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड, उसको मुक्ताब मेघ कहते हैं। वर्षा तो नहीं होता है, देखने में अच्छा लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल क्लाउड। साथ ही साथ इसमें एक ध्वनि और नीरवता का बलय का भी निर्माण होता है। ध्वनि और नीरवता के बलय, कहा जाता है कि बहुत अधिक मात्रा में जब बम्बार्डिंग होता है ओजोन परत पे अल्ट्रावायलेट का, तो अल्ट्रावायलेट जो है ओजोन जो गैस है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में गर्म हो जाती है, वहाँ लेयर बहुत गर्म हो जाता है, इसी कारण यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब ये जो ओजोन परत है इसके कारण यहाँ पे केमोस्फेयर भी इसको कहते हैं, रासायनिक प्रक्रियाएँ बहुत अधिक होती है। चूँकि ओजोन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इसलिए उसकी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन ओजोन परत को हम लोग क्षति करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। ओजोन धीरे धीरे डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का डिप्लेशन इतना तेज गति से हो रहा है कि 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के बीच में, 60 डिग्री से लेकर 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच दोनों जगह ओजोन का डिप्लेशन बहुत तेज़ी से होता है। आप देखेंगे कि यहाँ पे 60 से 65 डिग्री और यहाँ पे 60 से 65 डिग्री उसके ऊपर। क्यों ऐसा होता है? इसके पीछे कहा जाता है कि ओजोन को क्षति करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का होता है। क्लोरीन और फ्लोरोन के जो कार्बन होते हैं वह सीधे ओजोन पर अटैक करके उसको तोड़ देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं उसको। जैसे O3 को दो भाग में तोड़ देंगे, एक तो O1 कर देंगे, एक O2 कर देंगे, यानी ऑक्सीजन बना देते हैं, जिसके कारण ओजोन जो है उसका डिप्लेशन हो जाता है। इसको डॉप्सन में मापते हैं, इसकी मापने के लिए एक इकाई होती है, उसका नाम है डॉप्सन। तो आप इसको याद रखे रहिएगा। अब 60 से 65 डिग्री पे क्यों यहाँ इसका ज़्यादा डिप्लेशन होता है? उसके पीछे कहा जाता है कि वहाँ पे एक भूगर्भीय एक प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया हो रही है, यहाँ पे ज्वालामुखी फटते रहते हैं, और उस ज्वालामुखी फटने से मीथेन गैस और आर्गन गैस निकलते रहता है, और वो मीथेन और आर्गन वायुमंडल में जाकर के ओजोन का डिप्लेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों जगह होता है। अंटार्कटिका के चारों तरफ तो एक प्रकार से कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन ही है, उसी से निकलते रहता है लगातार आर्गन और मीथेन। और साथ ही साथ उत्तर में भी आप देखेंगे कि 60 से 65 जो कि आइसलैंड है, जो कि रशिया वाला पार्ट है, नॉर्वे स्वीडन वाला पार्ट है, यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ भी कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन है, और उसके कारण वहाँ भी मीथेन और आर्गन का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होते रहता है, बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस होता है, और वह ऊपर जा कर के ओजोन को क्षति पहुँचा रहा है। लेकिन इसमें मानव की भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि मानव जो है लगातार अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन छोड़ रहा है, और वह ऊपर जा कर के ओजोन का डिप्लेशन कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर लगातार अल्ट्रावायलेट पृथ्वी पे आएगा सीधे सीधे तो कैंसर हो जाएगा। ज़्यादातर किन को, जो कि ठंडे प्रदेशों के निवासी है, जिसके चमड़ी का रंग गोरा होता है, वह जल्दी कैंसर के शिकार हो जाएंगे। लेकिन आपको शायद पता भी होगा कि जब ओजोन परत का डिप्लेशन होगा तो टेम्परेचर जब ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पे आएगा तो ध्रुव पर जो बर्फ है, ग्लेशियर है, वह पिघलने लगेगा, और वह पिघल करके उसका जो जल है वह फिर जाएगा भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र में ही जाकर के जमेगा। और भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र जो है, आप देख रहे हैं कि जो यहाँ छोटे छोटे द्वीप है वह डूबने लगेंगे। इसका मतलब, इसका प्रभाव जो है कि दोनों तरफ से होगा, यहाँ के लोगों को कैंसर से जान गंवानी पड़ेगी, और भूमध्य रेखा के आसपास के लोगों को बाढ़ से और डूब डूब करके मरने की नौबत आ जाएगी। इसलिए हमें ओजोन परत को बचाना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, समताप मंडल के ठीक ऊपर, जहाँ समताप मंडल का खात्मा हो जाता है, एंड हो जाता है, वहाँ पर एक परत है, उसका नाम है समताप सीमा, उसको बोलते हैं स्टेटोपॉज इसको कहते हैं। तो इसको याद रखना है, स्टेटोपॉज पाया जाता है।
अब हम आपको अगला बता, मेसोस्फीयर को समझिए। देखिए मेसोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं मध्यमंडल। उसकी जो ऊंचाई है वह है 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में। लेकिन इसमें आप देखेंगे कि इसकी एक खास विशेषता है कि पूरे वायुमंडल का सबसे कम टेम्परेचर इसमें पाया जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे पाया जा सकता है। -80 डिग्री तक तो सामान्यतः वहाँ पहुँच जाता है। तो पूरे वायुमंडल का अगर पूछा जाए कि सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पाया जाता है तो मेसोस्फीयर में पाया जाता है। साथ ही साथ आप देखिए कि मेसोस्फीयर में 50 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में, 50 से लेकर 60 किलोमीटर के बीच में एक टर्बोस्फीयर भी पाया जाता है। यह सामान्यतः पुस्तकों में नहीं मिलता है लेकिन वहाँ पाया जाता है। वहाँ टर्बिडिटी होता है, वहाँ पे वायुमंडल बहुत विरल है ना, इसके लिए वहाँ टर्बिडिटी पैदा हो जाता है, तो उसको टर्बोस्फीयर कहते हैं। और इसी परत में, मेसोस्फीयर वाला परत में ही यहाँ पे देखेंगे कि एक रॉस्बी वेव भी चलती है। अब रॉस्बी वेव क्या होता है, वो जेट स्ट्रीम से भी काफ़ी ऊंचाई पे होती है रॉस्बी वेव। अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे ऊपरी पवन जो है निचले पवन को भी प्रभावित करती रहती है, तो रॉस्बी वेव भी प्रभावित करते हैं। तो आपने इसको समझा होगा। साथ ही मेसोस्फीयर जहाँ पे समाप्त होती है 80 किलोमीटर के आसपास, इसको कहते हैं मेसोपॉज। यहाँ पे है मेसोपॉज, और मेसोपॉज के जस्ट ऊपर जो है वह आयनोस्फीयर की शुरुआत हो जाएगी। तो आपने इस मेसोस्फीयर यानी मध्यमंडल को समझ लिया है। अब हम लोग आयन मंडल को समझ लीजिए। देखिए आयन मंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आयन मंडल नहीं होता तो हम लोग कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते, ना हम लोग रेडियो पे कम्युनिकेशन पर कर पाते, ना हम लोग टेलीफोन चला पाते, ना रडार वगैरह। ये सारा काम होता है यही आयन मंडल में। आयन मंडल में ये काम क्यों होता है, वहाँ की गैसें जो होती है ना वो आयनीकृत होती है। क्यों हो जाती है आयनीकृत? सूरज की जो किरणें होती है जिसमें परावैगनी किरणें होती है, वो फोटोन्स के रूप में चलता है, ये तो पता ही आप होगा आपको। और जो आयन मंडल में जो ऑक्सीजन होते हैं, जो नाइट्रोजन होते हैं, उस पर आके बॉम्बार्डिंग करता है, वो आकर के बॉम्बार्डिंग कर देता है उस पर आकर के, ससुरा उस पर गिरता है, और वहाँ की जो गैसें होती है ना वो बहुत ज़्यादा आयनीकृत हो जाती है। कभी कभी आप देखे हैं बचपन में ऐसे ऐसे हम लोग घंस करके जब इस तरह से त्वचा पे उगाते थे तो बाल जो है उसको खींचने लगती है, यह भी जो है ना आयनीकृत हो जाता है। तो यहाँ की भी जो जो गैसें है वो आयनीकृत हो जाता है। अब देखिए इसका जो औसत ऊंचाई है वह 80 से लेकर 400 किलोमीटर के बीच में माना गया है, लेकिन कुछ पुस्तकों में आप देखेंगे कि औसत ऊंचाई आयन मंडल का 80 से लेकर 640 किलोमीटर मान के चलते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड रूप से कहेंगे कि 80 से लेकर 400 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वो ठीक ऊंचाई है। अब देखिए ये जो परत है ना आयन मंडल, यह दिन में फैल जाता है और रात में सिकुड़ जाता है। इसकी एक विशेषता है कि दिन में जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वहाँ पे आयनीकृत ज़्यादा होगा और वह क्या करेगा कि फैल जाएगा, और रात में क्या होगा सिकुड़ जाएगा। इसीलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि रात में रेडियो जो है आपके पास ट्रांजिस्टर वगैरह होता है वो एकदम साफ साफ पकड़ेगा। टेलीफोन भी आप देखेंगे कि साफ साफ रहता है, टेलीविज़न भी साफ साफ। क्यों होता है? क्योंकि जब परतें सिकुड़ जाती है ना तो बड़ी आसानी से वह वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देती है धरती के ऊपर। तो इसीलिए धरती से छोड़ा गया जो वेव्स है वह आसानी से यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर फिर से वापस आ जाता है, उसमें व्यवधान नहीं पड़ते हैं, और इसीलिए हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। और देखेंगे कि इस लेयर को हम डी लेयर कहते हैं, ई लेयर कहते हैं, एफ और जी। ऐसे जो आयन मंडल है ना ऐसे ऐसे बटा हुआ है, एक दो आप देखेंगे कि चार परतों में अलग अलग बटा हुआ है। अब देखेंगे कि इसमें डी से क्यों शुरुआत होती है। तो देखिए ए बी सी, ए तो हम क्षोभ मंडल को मानेंगे, बी हम लोग समताप मंडल को मानेंगे, सी हम लोग मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर को मानेंगे, उसके बाद ही हम डी शुरुआत करेंगे। तो डी आयन मंडल में है, ई भी है, एफ भी और जी है। डी का क्या काम है? देखिए रेडियो वेव्स जो छोड़े जाते हैं ना वो तीन प्रकार के होते हैं। उसमें एक होते हैं शॉर्ट वाले, एक होते हैं मीडियम, एक होते हैं आपको लॉन्ग। तो तीन प्रकार के होते हैं और तीनों जो है ना अपना अपना काम करती है, ये अलग अलग। क्या होता है, डी लेयर जो है ना वो निम्न आवृत्ति के रेडियो तरंगों को परावर्तित करेगा, निम्न आवृत्ति के, जबकि ई परत जो होता है ना वह मध्य और लघु तरंग रेडियो तरंगों को परावर्तित करके धरती पे जाकर के उसको रिफ्लेक्ट कर देगा, उस धरती पे आ जाएगा। और साथ ही साथ ई परत जो है, ई परत को तो अभी बता दिया मध्य और लघु, और एफ परत भी जो है ना उसका भी काम वही है जो कि ई परत का, वो भी मध्यम और लघु तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देगा। और उसके बाद जो ऊपर की जो परतें हैं, जो जी परत है, उसका काम क्या है, वह जितने भी यहाँ से बच गए हैं ऊपर जाने में, जो ऊपर चले गए हैं, जो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए, वो सारा का सारा जी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या बच गया था यहाँ पे, यहाँ पे मुख्यतः क्या बच गया था, आप देखेंगे कि यहाँ पे
शॉर्ट वेव बच गया था जो कि ऊपर चला गया था जी लेयर तक, तो शॉर्ट वेव को वह क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके धरती पर भेज देगा। इससे हम लोग कम्युनिकेशन कर पाते हैं। देखिए एक घटना घटित होती है इसी आयन मंडल में, कहा जाता है 80 किलोमीटर से लेके 180 किलोमीटर तक वह घटना घटित होती है, उसका नाम है अरोरा। अरोरा का मतलब है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है। अरोरा की घटनाएँ क्यों घटित होती है, उसके पीछे कारण है। देखिए यह पृथ्वी है, आप देखते हैं कि यह जो है तीन परतों में बटा हुआ है, इसके कोर के आसपास जो है वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय तूफान निकलता है। और चुंबकीय तूफान निकलेगा कहाँ से, वो ध्रुवों से निकलता है, मैग्नेटिक पोल से वो तूफान निकलता है। और वो क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है 80 से लेके 280 किलोमीटर के बीच में। फिर साउथ पोल से भी निकलेगा, वो भी चला जाएगा। साउथ पोल को नीचे मत समझिएगा, नॉर्थ पोल को ऊपर मत समझिएगा, ये जो है ना ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है। नॉर्थ पोल से भी ऊपर निकलेगा और साउथ पोल से भी ऊपर निकलेगा, और 80 से 280 किलोमीटर के ऊपर जा करके कॉस्मिक रेज के साथ उसका टक्कर होता है। और टक्कर होने से वहाँ बहुत ही ज्वाला पैदा होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रकाश पैदा हो जाता है, उसी को बोलते हैं अरोरा। जो नॉर्थ पोल के ऊपर होता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और जो साउथ पोल के ऊपर यानी दक्षिण में होता है उसको बोलते हैं अरोरा ऑस्ट्रियालिस। तो इसको आप याद रखे रहेंगे कि वहाँ क्यों होता है। साथ ही साथ आप ये समझिए कि ये जो परते हैं ना, इसका कुछ नाम भी है। जैसे आप देखेंगे कि 80 किलोमीटर से लेकर के और जो आप देख रहे हैं 150 किलोमीटर के आसपास वाला जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं केनली हैविसाइट लेयर। इसको केनली साहब ने खोजा था, इसीलिए इसका नामकरण कर दिया गया। जो आदमी खोजता है उसी के नाम पर यह परत का नामकरण हो जाता है, यानी इन्होंने काम किया तो नाम किया, इसीलिए आप भी काम करिए तो आपका भी नाम होगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि 150 किलोमीटर से लेके और ये 300 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के बीच में एक एपलीटन या बार्नेट लेयर मिलता है। इसको एपलीटन या बार्नेट ने खोजा था, इसीलिए उसके नाम पे ये 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के बीच वाला जो परत है आयन मंडल, उसको कहा जाता है एपलीटन या बार्नेट लेयर। तो आपने इसको समझ लिया है, अब आप वायुमंडल को समझ लेते हैं। देखिए अंग्रेजी में वायुमंडल को कहते हैं इग्जोस्फीयर। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत माना गया है। इसकी जो ऊंचाई है आप 400 से लेके 1000 किलोमीटर तक मान के चलेंगे, किसी किसी पुस्तकों में 500 से लेके 1000 किलोमीटर, किसी में 640 से 1000 किलोमीटर। तो ऐसे हम लोग मान के चलेंगे कि उसका लिमिटेशन 1000 किलोमीटर सब मान के चलते हैं। वायुमंडल जो है पृथ्वी का वो 1000 किलोमीटर तक ही है, उसके बाद वो खत्म हो जाती है। तो ये आप समझ गए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। अब इसकी विशेषता क्या है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है। इसमें होता क्या है कि इसमें जो गैसें होती है एकदम विरलित हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम घनत्व हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए विरलित होती है। साथ ही साथ यहाँ जो गैसें मिलती है ना वो भी विद्युत आवेशित होती है, वहाँ भी मिलता है जैसे आयनोस्फीयर में है, लेकिन आयनोस्फीयर में ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पे तापमान जो है ना वह बढ़ करके 5568 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा। 5568 डिग्री सेल्सियस मतलब काफ़ी अधिक तापमान है, लेकिन वह तापमान धरती के तापमान से अलग होगा जो हम लोग यहाँ अनुभव करते हैं। वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं अगर वायुयान से अपने हाथ को बाहर निकाल दे तो उसको शायद तापमान भी अनुभव नहीं होगा, वो ऐसा तापमान होता है। वो होता है ना हाथी का दांत दिखाने का कुछ और खाने का कुछ और, तो वहाँ पे वही है। टेम्परेचर तो बहुत होता है लेकिन वह किसी को किसी व्यक्ति का हाथ भी नहीं जला पाएगा उतना ज़्यादा होने के बावजूद भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, आप देखेंगे कि 1000 किलोमीटर के आसपास में IRS छोड़ा जाता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट वगैरह जो होते हैं जिसको पोलर सेटेलाइट कहते हैं, उसकी ऊंचाई 800 से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास होती है, 1000 से नीचे ही होती है, उसको छोड़ा जाता है। कैसे, देखिए पोलर सेटेलाइट यानी पोल, ये जो पोल है ना, ये पोल नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसी का वो चक्कर लगाते रहते हैं इस तरह से, ऐसे नॉर्थ पोल के ऊपर से और साउथ पोल के ऊपर से, साउथ पोल के नीचे से नहीं, नॉर्थ पोल के भी ऊपर से और साउथ पोल के भी ऊपर से ये ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, उसको बोलते हैं पोलर सेटेलाइट। साथ ही साथ एक और सेटेलाइट होता है जो आपको आपने सुना होगा, उसको बोलते हैं इनसैट। और वह कहाँ होता है, वह पृथ्वी के ऊपर 36,000 किलोमीटर के ऊपर होता है, इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी। यहाँ पे पृथ्वी के जियो के साथ वहाँ पे स्टेशनरी होकर के, स्थाई होकर के पृथ्वी का ऐसे परिक्रमा करने के साथ साथ जिस गति से पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी गति से वो भी इसका चक्कर लगाते रहता है, ऐसे 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 ये भी घूम रहा है तो उसके साथ साथ ये भी जो है चक्कर लगाता है, तो उसको बोलते हैं इनसैट। उसको उस 36,000 किलोमीटर वाला जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी, तो इसको आप याद रखे रहिएगा। साथ ही साथ देखिए कि
जो वायुमंडल है वहाँ पे 1000 किलोमीटर से लेके 3600 किलोमीटर के बीच में बहुत ज़्यादा चुंबकत्व तो पाया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं मैग्नेटोस्फेयर। हालांकि मैग्नेटोस्फेयर जो होता है वह 1000 किलोमीटर से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन ज़्यादा जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकत्व है, इसका चुंबकत्व कहाँ तक ज़्यादा काम करता है, वह 36000 किलोमीटर तक ज़्यादा एक्टिव रहता है, उसके बाद क्षीण होने लगता है, लेकिन उसका प्रभाव 6000 किलोमीटर तक भी होता है। और इस तरह से वायुमंडल का लेयर समाप्त हो गया, और उसके ऊपर भी अगर जाएंगे 6000 किलोमीटर के ऊपर भी, तो एक सेलेस्टियल स्फीयर शुरू हो जाता है, सेलेस्टियल स्फीयर आकाशीय मंडल वो शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे पृथ्वी का लेयर है। तो आपने लेयर को समझ लिया है, एक और डिवीजन समझिए जो पृथ्वी के लेयर को हम लोग करते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक करते हैं। एक कहते हैं कि होमोस्फीयर होता है, एक हेट्रोस्फीयर होता है। तो होमोस्फीयर कहा गया है 80 किलोमीटर तक के बीच के क्षेत्र को, ऐसे किसी किसी पुस्तक में आप देखेंगे कि होमोस्फीयर की जो ऊंचाई है वह 88 किलोमीटर तक लिखी गई है, 88 किलोमीटर, और उसके बाद 88 किलोमीटर के ऊपर या 90 किलोमीटर के ऊपर वह हेट्रोस्फीयर शुरू हो जाता है, विषम मंडल। तो ये सम मंडल है, ये विषम मंडल है। सम मंडल और विषम मंडल क्यों कहते हैं इसको, देखिए इसमें गैसें जो पाई जाती है ना, उसकी जो विशेषताएं होती है वह लगभग समान ही होती है, लेकिन इसमें जो विशेषताएं होती है गैसों का वह असमान हो जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं सम मंडल, इसको विषम मंडल। सम मंडल में कौन कौन शामिल होगा, इसमें शामिल होगा क्षोभ मंडल, इसमें क्षोभ मंडल शामिल होगा, इसमें समताप मंडल शामिल होगा, और इसमें मध्य मंडल शामिल होगा, यानी तीन मंडल इसमें शामिल है। और उसके ऊपर जो भी बचा आयन मंडल और बहिर मंडल वो आपको हेट्रोस्फीयर में शामिल होता है। तो आपने इसको समझ लिया है, आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा।